बाल हमारी ख़ूबसूरती की कीमत हैं सर पे ख़ूबसूरत सेहतमंद बालों का होना समझें कि हमारी खूबसूरती को चार चांद लगाता हैं बट क्या किया जाए रोज़ के शोज़ हैं रोज़ की, है, रोज की रिकॉर्डिंग्स हैं ब्लो ड्राई भी करना ज़रूरी है आयरन भी करना ज़रूरी और उनकी ख़ूबसूरती में मज़ीद चार चांद लगाने के लिए केमिकल से खेलना भी ज़रूरी है बट होता क्या है, है आखिर में ये क्या हुआ जो चार बाल थे वो चंद रह गए और डर लगता है कि अब ये बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए शोज भी करने हैं रिकॉर्डिंग्स भी करनी है और बालों को आयरन ब्लो ब्लोड्राई भी करना है सोचना पड़ेगा याद आया नानी दादी के इतने सारे टोटके आपके साथ शेयर करती हूँ खुद भी इस्तेमाल करती हूँ बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सदियों से चली आ रही हैं मुझे आज भी याद है फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर मेरे बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए थे मेरी अम्मी ने कहा हटाओ सब कुछ बहुत हो गया और वही चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करो जो कि हमारे घरों का यानी नानी दादी का आजमुदा कहना चाहिए टोटका है उसमें बहुत सारी चीज़ें थी मुझे आज भी याद है उसमें प्याज है अदरक है एलोवेरा जेल है, ऐसी बेशुमार चीज़ें थी जो कि हमारे घरों में या कहना चाहिए हमारी नानियाँ दादियाँ इस्तेमाल करती थी तो उसी में से अम्मा ने यह निकाल के लेके आई नुस्खा और प्याज का मुझे आज भी याद है वो प्याज का जो टोटका था वो इस्तेमाल किया गया और मेरे बाल कुछ ही दिनों में दोबारा वैसे लंबे घने लहराते हो गए तो अब वक्त आ गया है दोबारा उसी चीज़ पे जाने का तो चलते हैं दोबारा अपने बालों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही टोटका मिलके बनाते हैं चलें जनाब अब करते हैं अपना पुराना नानी दादी का नुस्खा स्टार्ट तैयार करते हैं रेमेडी सबसे पहले हमने प्याज लेनी है प्याज के अंदर आपको पता है बहुत सारे फ़ायदे हैं तभी ज़माना कदीम से चला आ रहा है ये नुस्खा कि प्याज को जो है आपने छीलना है प्याज को काटना है उसका जूस निकालना है और वो जूस जो है आपने लगाना है क्यों उससे के ए, क्योंकि उससे बाल अच्छे हो जाते अब सारा मसला ये कि मौसम हो गया चेंज सर्दियों में बाल वैसे ड्राई हो जाता है जब बाल ड्राई हो जाता है तो उसमें खुश्की बढ़ना शुरू हो जाती है खुश्की की वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं बाल रफ हो जाते हैं बाल मतलब अजीब फटे फटे, फटे बाल रहते हैं तो उसमें जो है ये नुस्खा प्याज के जूस के साथ जब आप इसको इस्तेमाल करेंगी हमने छील लिया प्याज अब हमने प्याज को काट लिया इसके बाद हम कद्दूकश करेंगे अच्छा प्याज का जूस लगाने का फ़ायदा यह है खासकर सर्दियों में भी कि ये आपके बालों की गिरने की रफ़्तार को रोकता है मतलब बालों का हेयर फॉल जो है उसको कंट्रोल करता है इसके अंदर एलिसिन मौजूद है इसके अंदर सल्फर मौजूद है जो बालों की रूट्स को स्ट्रेंथन करता है उसके अलावा इसके अंदर कुछ मिकदार बायोटिन की मौजूद है जो बालों की ग्रोथ के लिए अच्छी है और आपकी डेंडफ को सपोर्ट करता है जो बालों का रंग अक्सर सर्दियों में ख़राब हो जाता है वो इसके लगाने से बालों का रंग बेहतर रहता है और अक्सर होता है कि धूप में बैठ रहे होते हैं लोग बाल बहुत रेगुलर वॉश नहीं कर रहे होते हैं बाल बिल्कुल फटे फटे रफ हो रहे हैं तो इन सब चीज़ों का जो इलाज है या इन सब मसलों का जो हल है वो हमारे पास मौजूद है और वो है प्याज का रस जैसे कि एलेसन मौजूद है सल्फर मौजूद है प्रीबायोटिक्स इसके अंदर मौजूद होते हैं इसके अलावा इसमें बायोटिन मौजूद है काफ़ी सारे इसके अंदर वाइटामिन हैं जो कि हमारे बालों की सेहत के लिए उसकी ग्रोथ के लिए उसके डेंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए रफनेस को खत्म करने के लिए बालों को स्मूथ करने के लिए बालों के अंदर वॉल्यूम लाने के लिए बहुत इफेक्टिव है हमने प्याज को कद्दूकश कर लिया अब हम प्याज का रस निकालेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ यस yes. इसको आप कपड़े में भी छान सकते हैं मल मलमल का कपड़ा ले लें कोई स्ट्रेनर ले लें लेकिन घर में तो हम ऐसे ही चलते हैं तो घर में हम इतने सारे चक्कर नहीं पालते बस प्याज छीननी है काटनी है और उसके बाद कद्दूकश करना है और उसका ये जूस हमने निकाल लिया अब इसके बाद बारी आती है लगाने की ताकि बालों की ग्रोथ के साथ साथ जो सर्दियों के मसाइले बालों का रफ़ होना बालों का फटावा हो जाना बालों के दो हो जाना बालों में खुश्की हो जाना उन सबसे निजात के लिए हमें मिल गया है नुस्खा यस चलें जी जनाब अब लगाते हैं हम बालों के अंदर जो है प्याज का रस चलिए Oh, इसकी स्मेल नाकबले बर्दाश्त दो मिनट बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया मेरे लिए इसका कोई हल निकालना पड़ेगा बाल तो चाहिए सोचते सो right. फाइनली so मिल गया है सोल्यूशन और जनाब ये है हमारा न्यू लाइव वाई नैचुरली विद अनियन एक्सट्रैक्ट जिसमें है प्याज की तमाम खूबियाँ शामिल जिसके लिए हम इतनी एफर्ट्स कर रहे थे बालों का गिरना हो बालों का टूटना हो बालों का बेजान रूखा दो मुंह हो जाना हो या सर्दियों की वजह से बालों का बेरंग या खुश्की हो जाना उन तमाम मसाल के लिए न्यू लाइव वाई नेचुरली स्ट्रॉग शैम्पू मौजूद है विद अनियन एक्सट्रैक्ट और एक और बहुत प्यारी चीज़ इसके अंदर मौजूद है जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है और वह एलोवेरा जेल हर जगह बता रही होती जब अनियन के तमाम मसाले से आप हुए आजाद आपने सिंपल न्यू लाइफ वाई स्ट्रांग शैम्पू लेना है विद अनियन एक्सट्रेक्ट एंड एलोवेरा जेल और इसको लगाना है बालों के जो भी मसाइल उस पर आपकी जान आज़ाद हुई आप इजीली एक शैम्पू लगाएं और सारे मसाल को कीजिए खुदा हाफिज और सबसे अच्छी बात इसमें एक और है वो है इसमें प्याज की स्मेल नहीं है जो कि मैं दो मिनट नहीं लगा पाई और परेशान थी आप भी मैं इतना परेशान हो रहे होंगे तो न्यू लाइफ वाई नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू अनियन एक्सट्रैक्ट की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें प्याज के तमाम फवाद तमाम चीज़ें मौजूद हैं बग़ैर स्मेल के तो आप हुए आप हर तरह के झंझट से आजाद बालों के तमाम मसाइल को कीजिए बाय बाय एंड थैंक यू लाइव बॉय न्यू लाइव बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैंपू